नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाई। और चलिए बात कर लेते हैं मतगणना की। तो मंगलवार को मतगणना के साथ ही लोकसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। वहीं हरियाणा में भी काउंटिंग को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। देखिए रिपोर्ट। पूरे देश में 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर चुनाव आयोग की तैयारियां अंतिम चरण में है। इस बीच हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों के लिए विधानसभा वाइज 90 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। इसके साथ ही करनाल विधानसभा उपचुनाव के लिए अलग से काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने काउंटिंग की मॉनिटरिंग के लिए सभी काउंटिंग सेंटर्स पर ऑब्जर्वर की नियुक्ति की है। इलेक्ट्रॉनिकल ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम यानी ETPBS और पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के लिए भी एक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। और इस वक्त मैं मौजूद हूं फतेहाबाद के चौधरी मणिराम गोदारा कन्या महाविद्यालय में, जहां पर की कल वोटों की गिनती जो है वो कल की जानी है, जिसमें टोहाना, रतिया और फतेहाबाद विधानसभाओं की गिनती यहां होगी। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। सिरसा लोकसभा क्षेत्र के अंदर फतेहाबाद जो जिला है वो आता है, नरवाना जो इलाका है उसकी गिनती जींद में की जाएगी और फतेहाबाद, रतिया, टोहाना की ईवीएम इसी जगह पर जो है वो रखी गई है। कल सुबह 8 बजे यह गिनती जो है शुरू होगी। अगर पोलिंग की बात की जाए तो फतेहाबाद जिले में 69.9% के हिसाब से जो पोलिंग है वो हुई है, और अगर गिनती की बात की जाए तो फतेहाबाद में 14 टेबल लगाए गए हैं और 17 राउंड की गिनती होनी है। रतिया में 14 टेबल लगाए गए हैं और 16 राउंड की गिनती होनी है, और टोहाना में 14 टेबल लगाए गए हैं और 17 राउंड की गिनती जो है वो होनी है। इसको लेकर फतेहाबाद के जो DC हैं राहुल नरवाल, उनके द्वारा भी दौरा किया गया है, और फतेहाबाद की जो SP है आस्था मोदी, उनके द्वारा भी दौरा जो है वो किया गया है। यहां का सारा डाटा कंपाइल होकर, नरवाना का डाटा कंपाइल होकर सिरसा जाएगा और वहां पर विधिवत रूप से जो जीत दर्ज करेगा प्रत्याशी उसके नाम की घोषणा जो है वो की जाएगी। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए भी ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है, क्योंकि जो भी जीत दर्ज करता है जुलूस के रूप में यहां से निकलता है तो ट्रैफिक व्यवस्था कहीं ना कहीं ठप होती है। तो कहा जा सकता है कि 14 घंटे का इंतजार जो है जीत के लिए प्रत्याशी कर रहे हैं और सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं। तमाम तैयारियों के बीच चुनाव आयोग ने अलग से एक चुनाव परिणाम हेल्पलाइन ऐप भी जारी की है, जिस पर कोई भी नागरिक अपने मोबाइल पर इसे अपलोड कर पूरे देश के चुनाव नतीजों की जानकारी हासिल कर सकता है। ऐसे में मंगलवार सुबह 8 बजे के बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। देखने वाली बात होगी कि हरियाणा में नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं जो अंतिम चरण में है तैयारियां और कल मतगणना किस तरह से होनी है, क्या कुछ इंतजाम है प्रशासन की, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। फरीदाबाद ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। पहले राजेंद्र, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आपसे जानना चाहेंगे तैयारियां किस तरह की है, मतगणना कल होनी है तो क्या कुछ इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। बिल्कुल राजश्री, मैं आपको बता दूं कि 3 लेयर सुरक्षा के बीच मतगणना कल सुबह 8 बजे शुरू होगी और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। तमाम तरह की फोर्स यहां पर लगाई गई है, 3 लेयर सुरक्षा, और साथ ही CCTV यहां पर लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि CCTV की निगरानी में पूरी मतगणना यहां पर की जाएगी, और ये राउंड टेबल मैं आपको दिखा दूं जहां पर तमाम EVM खोली जाएंगी, वो टेबल यहां पर सजकर तैयार हो चुकी हैं और तैयारियां लगातार प्रशासन की तरफ से पूरी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो यहाँ दूसरी साइड की अगर बात करें तो यहाँ पर जो प्रतिनिधि आएंगे प्रत्याशियों के तो वो यहाँ पर बैठेंगे, और कहीं ना कहीं लगातार इसको लेकर जो SDM है त्रिलोक चंद जी वो तैयारियों में जुटे हुए हैं, ARO भी हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे सर किस तरीके की तैयारियां हैं। तैयारियां हमारी तरफ से पूरी तरह से मुकम्मल हो चुकी हैं, आप देख ही रहे हैं पूरा हमारा काउंटिंग हॉल अच्छी तरह से तैयार है, बस सुबह 8 बजे का इंतजार है, 8 बजे हम अपनी काउंटिंग शुरू कर दें। सर, सुरक्षा व्यवस्था की बात, सुरक्षा व्यवस्था हमारी जो की प्रोटोकॉल है 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था है, तो तीनों लेयर की सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद है। इसके अलावा CCTV कैमरे लगे हमारे इसी कमरे के अंदर, 6 CCTV कैमरे लगे हुए हैं और बाकी कैंपस में भी लगे हुए हैं, CCTV की कोई समस्या नहीं। इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर सर कोई अंदर आ सकता है? नहीं, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर के अंदर नहीं आएगा। अंदर नहीं आएगा? नहीं।
इसके अलावा बात करें सर, पीछे एक बोर्ड लगाया है तमाम प्रत्याशियों के नाम है, किस तरीके से उस पर ये बोर्ड जो आप देख रहे हैं, जो बोर्ड लगा हुआ है, इस तमाम प्रत्याशियों में राउंड वाइज किस राउंड में किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले उनको लिखा जाएगा। एक सर ये टेबल लगाइए, कितने टेबल? ये 14 टेबल है तो 17 हमारे राउंड है। एक सर ये जो टेबल है मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन से कहूंगा पीछे टेबल दिखाएंगे, ये जो टेबल है इन पर कौन बैठेंगे और दूसरी तरफ जो टेबल? देखो ये अंदर जो हमारा काउंटिंग स्टाफ बैठेगा और जो जाली के उस तरफ है वो एजेंट होगा। एजेंट्स की एंट्री अलग है बैक साइड से, एजेंट्स की एंट्री अलग है। तो सर कितने आदमी आ सकते हैं एक प्रत्याशी के? एक प्रत्याशी जितने उसने एजेंट, क्योंकि एक प्रत्याशी वैसे तो एक प्रत्याशी एक 14 लोग भेज सकता है, 14 टेबल है तो जी। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं और किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो इसको लेकर चारों तरफ यहां पर हॉल में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। अपराजिता हमारे साथ जुड़ गई है। अपराजिता क्या कुछ तैयारी है कल मतगणना को लेकर? वहीं अगर उनकी पार्टी ऑफिस की मैं बात करूं तो उनकी पार्टी ऑफिस में ही पूरी तरीके से जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी है। अगर हम पार्टी ऑफिस की बात करें तो पूरी तरीके से यहाँ पे टेंट लगा दी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है कि उन्हीं की सरकार इस बार फिर से आने वाली है। और वहीं आंकड़ों की अगर हम बात करते हैं तो आंकड़ों को लेकर भी, एग्जिट पोल को लेकर भी कहा जा रहा है, बिल्कुल एग्जिट पोल को भी हमने देखा किस तरीके से जो आंकड़े कह रहे हैं कि 350 से 401 का आंकड़ा बताया जा रहा है। तो अगर हम देख भी सकते हैं अपने पीछे, अगर मैं विजुअल्स दिखाऊं तो किस तरीके से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर्स में मौजूद हुआ, यहाँ पर हम पूरी तरीके से देख सकते हैं किस तरह से टेंट लग चुका है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरा जश्न की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में शुरू हो चुकी है, क्योंकि कल मतगणना शुरू होने वाली है, उसके बाद जो नतीजे आने हैं, अगर एग्जिट पोल की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं नतीजा बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट की तरफ दिखता हुआ झुकता हुआ नजर आ रहा है। तो बिल्कुल पूरी तरीके से तैयारियां हो चुकी है। आज भी हमने देखा था कि बैठक हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भव्य रोड शो भी करने वाले हैं। तो पूरी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है उन चीजों को लेकर, तैयारियों को लेकर। तो लोकसभा चुनाव को लेकर काउंटिंग का जो काउंटडाउन है शुरू हो गया है। आपको बता दें कि तमाम जगहों पर तैयारियां पूरी कर ली गई है, मंगलवार सुबह 8 बजे से ही जो मतगणना है वो शुरू हो जाएगी और एग्जिट पोल आने के बाद से ही बीजेपी लगातार एनडीए जो है आश्वस्त है सरकार बनाने को लेकर। खैर जो नतीजे हैं वो कल सामने आ जाएंगे तो इससे सारी तस्वीरें जो है वो साफ हो जाएंगी। तो हरियाणा के 10 लोकसभा क्षेत्रों के 90 केंद्रों पर काउंटिंग होगी और इसे लेकर इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की काउंटिंग का ये जो काउंटडाउन शुरू हो गया है और 10 लोकसभा क्षेत्रों के 90 केंद्रों पर काउंटिंग होगी। हरियाणा न्यूज पर आप पल पल की अपडेट लगातार देख सकते हैं। आज इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, इस दौरान इलेक्शन कमीशन ने भी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। लोकसभा चुनाव में इस बार नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, 64.2 करोड़ लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया, 31 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने वोट किया है। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ पानीपत से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। जितेंद्र, जानकारी आपसे चाहेंगे, मतगणना को लेकर क्या तैयारी है, किस तरह की व्यवस्था है प्रशासन की तरफ से? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पानीपत की, मैं बता दूं आपको, पानीपत की 4 विधानसभा है और चारों विधानसभा के लिए जो है जो काउंटिंग जो है वो सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, डीएसपी रेंज के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है और जिस तरीके की व्यवस्था है, चाहे सीसीटीवी कैमरा कहे या आम सुरक्षा को लेकर जो है आईटीबीपी के जवान हो वो सभी मुस्तैद है। और सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से ताली की व्यवस्था की गई है, हम देख रहे हैं पूरे ग्राउंड के अंदर आर्य कॉलेज के पास चारों विधानसभाओं को रखा गया, लगातार काउंटिंग होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके की व्यवस्था बनाई गई है उसको पुरजोर कोशिश ये की गई है, जिस तरीके के गर्मी के हालात है तो टेंट लगाए जा रहे हैं ताकि आम लोगों को जो पार्टी के पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। जी, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है जितेंद्र, इसे लेकर भी जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए सुरक्षा की अगर मैं बात करूं तो
थ्री लेयर की सुरक्षा है जो जिसमें जो है आईटीबीपी के जवानों के साथ साथ पुलिस के जवान भी मुस्तैद है। और सबसे बड़ी बात है डीएसपी रेंज के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि आज तक ही चारों विधानसभाओं की गिनती होनी है और जिसको लेकर लगातार जो है प्रशासन के साथ साथ जिस तरीके के ऑर्डर दिए गए अब हम यहाँ देख रहे हैं कि लगातार जो है डीएसपी जो है डीएसपी गश्त कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि कैमरों की सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, चारों तरफ निगरानी रखी गई है ताकि किसी भी तरीके की किसी भी कोई अनहोनी हो तो उसको जो है रोका जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से प्रशासन ने और चुनाव आयोग ने लेके पूरी तैयारी की है तो वो आप कह सकते हैं कि लगातार जो है ठीक है। जितेंद्र बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी बातचीत के लिए। अपराजिता हमारे साथ जुड़ गई है। अपराजिता, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद है, क्या कुछ चल रहा है वहां पर, जानकारी आपसे चाहेंगे। श्री मैं भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफिस से पहुंची हुई हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर मैं देख सकती हूँ तो हमारे पीछे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पे पंडाल लगाए जा चुके हैं, कूलर की व्यवस्था की गई है, फैन लगाए हुए हैं, सब कुछ लगाया गया है यहाँ पर कि पूरी तरीके से यहाँ पर इंतजाम किया गया है। क्योंकि देखिये, भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर। कल सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भव्य रोड शो भी होने वाला है, तो पूरी तैयारियां उन चीजों को लेकर लगातार होती जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफिस का ये नजारा है कि हम देख सकते हैं हमारे, अगर मैं अंदर की तस्वीरें थोड़ा आपको दिखाऊं तो अंदर हम देख सकते हैं कि देखो गर्मी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, तो यहाँ पर पूरा इंतजाम किया गया है, पूरा इंतजाम किया गया है कि यहाँ पर ये कूलर लगाए गए हैं, पंखे लगाए गए हैं, यहाँ पे पूरे तरीके से तैयारियां की गई है कि किसी प्रकार की कोई परेशानियां ना हो, जश्न मनाया जा सके। तो पूरे सेलिब्रेशन की पूरी तैयारियां यहाँ पे की जा चुकी है। आज भी हमने देखा था कि बैठक हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक हुई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर। क्योंकि देखिये, कल को लेकर की पूरी तैयारियां की जा रही है कि किस तरीके से तैयारियां रहेंगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूत्रों के माने तो भव्य रोड शो होने वाला है। क्योंकि देखिये, हमने पहले भी देखा है जब स्टेट्स के जो इलेक्शन हुए थे जिसमें जीत हासिल हुई थी भारतीय जनता पार्टी को, तो एक भव्य रोड शो, एक भव्य किया गया था, प्रोग्राम किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि इसी तरीके का भव्य एक रोड शो कल भी किया जाएगा जब काउंटिंग के रिजल्ट सामने आ जाएंगे। हालांकि अगर एग्जिट पोल की हम बात करते हैं तो जो आंकड़ा कहता है वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में कि कहा जा रहा है कि बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट को करीब 350 के आसपास 401 का आंकड़ा दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो उम्मीद लगाई जा रही है बीजेपी के द्वारा कि कल उनकी ही जो जीत सामने आएगी। तो पूरी तरीके से तैयारियां कह सकते हैं कि बीजेपी की जोरों शोर पर नजर आती हुई दिख रही है। जी ठीक है। अपराजिता, अगर हम बात कर लेते हैं मतदान की, तो उसे लेकर क्या तैयारियां हैं, मतगणना को लेकर क्या कुछ तैयारी, माफ कीजिएगा। चलिए, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अपराजिता, दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, शायद तकनीकी खराबी है कुछ। तो ये बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव की काउंटिंग का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो गया है। हरियाणा में के 10 लोकसभा क्षेत्रों के 90 केंद्रों पर काउंटिंग होगी। हरियाणा न्यूज हर हल्के पर सबसे तेज नतीजे दिखाएगा। एक टेबल पर 500 पोस्टल बैलेट की गणना की जाएगी। तो मतगणना की क्या कुछ तैयारी है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं। तीन लेयर की सुरक्षा के बीच ये मतगणना की तैयारी, हरियाणा में मतगणना की तैयारी को लेकर काउंटिंग सेंटर पर किसी भी चीज को साथ लाने की अनुमति नहीं होगी। इससे पहले जो अलग अलग तरह से संवाददाता भी जुड़े थे वो भी बता रहे थे कि बूथों के आसपास जो है वो धारा 144 भी लागू कर दी गई है। इसके अलावा गर्मी से बचने के लिए भी तमाम मेडिकल जो सुविधाएं हैं उसकी व्यवस्था की गई है। एजेंटों को बिना पुलिस वेरिफिकेशन एंट्री नहीं मिलेगी। तो सुरक्षा व्यवस्था टाइट की गई है। कल मतगणना है और उस लिहाज से तमाम तैयारियां की गई है। चलो एक बार फिर से मतगणना की तैयारियों पर वापस आते हैं। दिनेश शेरावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं पलवल से। दिनेश, जानकारी चाहेंगे आपसे मतगणना को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं। 76 देखिए, मैं आपको बता दूं कि मतगणना की पूरी तैयारियां जिला प्रशासन ने कर ली गई है। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में यहां पर अलग अलग जिम्मेदारियां सभी को दे दी गई हैं। सुबह 8 बजे से जो वोटों की जो काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 3 विधानसभा क्षेत्र हैं यहां पर, पलवल, होडल और रतीन, जिनकी यहां पर काउंटिंग होनी है। बाकी 6 विधानसभा जो है फैजाबाद काउंटिंग होगी। दोनों जिलों के 24 लाख मतदाताओं ने जो अपनी टून का फैसला जो है 24 प्रत्याशी का फैसला कहीं कहीं जो है उस
उसमें जो है ईवीएम मशीन में कैद है। आप देख सकते हैं सीसीटीवी की निगरानी में यहाँ जो जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है, पूरे स्ट्रांग रूम चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी है। गेट की एंट्री से लेकर हर रूम क्षेत्र के करीब जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, मैं आपको बता दूँ की जो जिले की अधिकारी है यहाँ से यहाँ पर दौरा कर रही है, लगातार एक एक मुआयना किया जा रहा है, एक एक उसको जो कार्य प्रणाली जो पूरी तरह से तैयार की गई, जो भी व्यवस्थाएं हैं उसका जायजा लिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो है फेडोर लोकसभा क्षेत्र से करीब जो है 24 मतदाता है जिनके भाग्य की का फैसला कल होने वाला है। 8 बजे से ही जो है काउंटिंग वोटों की शुरू होगी और वोटों की काउंटिंग 17 से 20 राउंड के बीच होगी। यानी कि देखिए आप मैं बात कीजिए, जिस तरह से तैयारियां लगभग सभी पूरी की जा चुकी हैं, जो है 24 के करीब जो है प्रत्याशी है, मुख्य मुकाबला जो है कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी के प्रत्याशी के बीच है, और तीसरे और चौथे पर जो बात करें तो इनेलो और बसपा के प्रत्याशी है उनके बीच नंबर ये मुकाबला है, कौन तीसरे पर आता है कौन चौथे पर आता है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से ओपिनियन पोल एग्जिट पोल सामने आए हैं, कहीं ना कहीं भाजपा प्रत्याशी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनकी जीत हो सकती है, लेकिन जब तक ईवीएम में एक एक वोट सामने खुलकर नहीं आती है, एक एक वोट की काउंटिंग नहीं होती है, जब तक कहीं ना कहीं भाजपा प्रत्याशी के माथे पर पसीने जमवाते रहेंगे, क्योंकि मुकाबला इस बार कहीं ना कहीं हरियाणा में काफी कड़ा है। हर प्रत्याशी का सीधा मुकाबला भाजपा कांग्रेस के बीच हुआ है, क्योंकि बात करें फैंगवात और पलवल जिले की तो नहीं, सीधा मुकाबला दोनों जिलों में 3 विधानसभा जो है पलवल जिले की है, पलवल होटल अतीन काफी कड़ा मुकाबला यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी और दिनेश बने रहेगा। हमारे साथ लाजपत भी जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। लाजपत, तैयारियां किस तरह की है मतगणना को लेकर, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है, पूरी जानकारी, और इस वक्त कहाँ पर मौजूद है आप? जी बिल्कुल रात्रि, मैं आपको तस्वीरों में दिखा दूं कि धारा 144 यहाँ पर लगाई गई है, उसके बावजूद क्या हालात है वो दिखा देता हूँ तस्वीरों में। यहाँ पर बीट कॉलेज है, हमेशा से यहाँ पर जीत का खड़ा कैंडिडेट पहनकर जाता है, 22 उम्मीदवार यहाँ पर चलने होने वाले हैं, और ये पुलिस प्रशासन की तैयारी है, यहाँ से हर व्यक्ति को जो है चेकिंग की जाएगी, उसके बाद ही यहाँ पर एंटर किया जाएगा। लेकिन तापमान इतना ज्यादा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फायर की गाड़ी है वो कूलर में पानी डाल रही है, आप देख सकते हैं कि तापमान कितना ज्यादा है, 12 से 44 लगाई हुई है। लेकिन कोशिश करते हैं, कई पुलिस कर्मचारी से भी बातचीत करते हैं, 12 से 44 का महत्व क्या है, लोगों के लिए क्या कुछ रहेगा, बातचीत करते ही इसी करने से ऐसा 12 से 44 लगाई हुई है, और बिल्कुल आपने जो अभी से पहले चलेगी, कल से पहले भीड़ दिखाई दे रही है, तो किस तरीके की व्यवस्था रहने वाली है, क्या आदेश है? ठीक रहेगा, किस तरीके की यहाँ पर चेकिंग की जाएगी, किन लोगों को अंदर जाएगा? चेकिंग की जाएगी, 14 के पास अलाउड, 5 अलाउड है, जो भी मेंबर अंदर जाएंगे वो अलाउड है, वही जाएंगे। तो कितने बजे काउंटिंग शुरू होगी? 8 बजे काउंटिंग होनी है, और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। पुलिस प्रशासन से हमारी बातचीत हुई है, 12 से 44 लगाई गई है, लेकिन तस्वीरों में दिखा दूं कि हालात क्या है। ये 12 से 44 का मतलब ये है कि 200 मीटर दूरी बनाकर रखनी है, भीड़ नहीं होनी चाहिए, लोगों की यहाँ पर आवागमन नहीं होना चाहिए, जिन लोगों को परमिशन होगी वही लोग यहाँ पर आएंगे, और इसके अलावा कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आता है तो उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। मेरे सहयोगी आपको रोड के भी हालात दिखा दें, कल यहाँ पर रोड के हालात काफी गंभीर बनेंगे, क्योंकि ये रोड मुख्य रोड है, गोहाना से सोनीपत जाने वाला रोड है, लेकिन यहाँ पर कल भीड़ होगी, करीब अंदाजा लगाएं तो 1500 से अधिक लोग यहाँ पर शामिल होंगे, क्योंकि एक कैंडिडेट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 100 लोग यहाँ पर होंगे, क्योंकि जो अंदर जिनकी ड्यूटी होगी, इसके अलावा बाहर भी लोग होंगे, लेकिन 12 से 44 लगाई गई है, इसका देखते हैं कि कल कितना इस पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि 22 उम्मीदवार हैं, 22 उम्मीदवारों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भीड़ कितनी ज्यादा हो सकती है, अंदाजा ये भी लगाया जा सकता है कि 2000 से भी अधिक लोग हो सकते हैं, और 12 से 44 का देखना यही होगा कि कितना यहाँ पर पालन होता है, कितना क्या कुछ रहता है, क्योंकि आज के हालात आपने देख ही लिए हैं किस तरीके के बने हुए हैं। ये बीट कॉलेज है जहाँ पर हमेशा से प्रत्याशियों की गिनती होती है, अब कहीं ना कहीं यही देखना होगा, और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की व्यवस्था रहने वाली है। कुछ लोग हैं यहाँ पर बातचीत कर रहे थे,
भाई साहब क्या व्यवस्था, आप जैसे अंदर से भी आए हैं, आपने शायद कार्ड लिया है, अंदर आपकी ट्रेनिंग भी हुई होगी, कल मतगणना होनी है, किसी से भी आपकी से बातचीत हुई है क्या? अंदर बहुत अच्छी प्रशासन ने भी, और आप देख रहे हैं हर एक पार्टी के मेंबर्स यहाँ पे बैठे हैं, सबने बहुत अच्छे से शांति का माहौल बना रखा है और अच्छी मैनेजमेंट बहुत अच्छी सरकार के द्वारा की जा रही है। तो गर्मी का भी कल टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, लोगों के लिए पानी की व्यवस्था या कोई कूलर की कोई कमी आपको दिखाई दी हो? ये प्रशासन ने बहुत अच्छा यहाँ पे कर रखा है, आप देख रहे हैं पानी की पूरी व्यवस्था है। ठीक है, लाजपत बने रहेगा हमारे साथ, दिनेश भी लगातार जुड़े हुए हैं। दिनेश, आपसे भी जानना चाहेंगे कि गर्मी को देखते हुए क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर मतगणना केंद्रों में की गई है। देखिए राशि, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह की तमाम जो मतगणना की जो है जब तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, यहाँ पर जिस तरह से व्यवस्था बनाई गई है, टेंट यहाँ पर लगा दिए गए हैं, पानी की व्यवस्था यहाँ पे की है दी गई, जिस तरह से बात करूँ तो लगभग 76 के करीब यहाँ पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं, हर जो है ऊपर हर कमरे पर CCTV कैमरे की निगरानी है, जो कि यहाँ पर एंट्री होती है, एंट्री में देख सकते हैं, यहाँ पर मीडिया सेंटर अलग से बनाया गया है ताकि मीडिया कर्मियों को जो है काउंटों की एक एक सूचना बताई जा सके। मैं आपको बता दूं कि 24 के करीब प्रत्याशी हैं जिनके जो वोटों की मतगणना शुरू हो जाएगी 8 बजे से 17 से 20 राउंड के बीच में। 3 विधानसभा में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, बस्ते पलवल में 76% 3 विधानसभा है, यहाँ पर पलवल होरल और 3 विधानसभा की मतगणना यहाँ पर जो है पलवल के जो अंबेडकर कॉलेज में जो यहाँ पर काउंटिंग सेंटर बनाया गया है, स्ट्रांग रूम है यहाँ पर उसकी मतगणना होगी। साथ ही इसके अलावा जो 6 विधानसभा है, पिपला जो है, तिगांव, फरीदाबाद, चेन्नई की जो 6 विधानसभा, उनकी जो मतगणना फरीदाबाद में होगी। इस तरह की जो जिला प्रशासन ने तमाम तैयारियां कर ली हैं, निर्वाचन अधिकारी हैं जो वहां पर जिले आते हैं वो दौरा कर रही हैं, सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं का जो है मुआयना यहां पर किया जा रहा है, धारा 144 लगा दी गई है। अब पूरे कॉलेज की बात करें, यहां पर जो काउंटिंग सेंटर है यहां पर जो है पल्लियों से रोक दिया गया है, कोई बाहर प्रवेश नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के बता दूँ जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो है कहते धातु की वस्तु हरी पेन चाली बस आदि ठीक है, वो भी दौरा करेंगे। जैसे जहाँ का जो मुआयना किया जा रहा है, जिस तरह से भी आपको बता दें कि मुख्य मुकाबला कल यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा के बीच है, जिस तरह से गांवों से शहरों से रिपोर्ट आ रही है, कांग्रेस और भाजपा के जो प्रत्याशी है उनका कहीं कहीं सीधा मुकाबला है, तीसरे चौथे नंबर पर है जो है बच्चा। कल मतगणना का दिन है, तैयारियां जो है वो दिख रही है, हालांकि अब तैयारियां तो पुख्ता है, अब कल 8 बजे से काउंटिंग जो है शुरू हो जाएगी। लाजपत से भी बात कर लेते हैं एक बार फिर से। लाजपत, अगर हम बात करें तो माहौल किस तरह का है, लोगों का क्या कुछ कहना है कल के मतगणना को लेकर, क्योंकि एक्साइटमेंट तो होगी ही। युवा है, पढ़े लिखे हैं, उनसे जान लेते हैं अभी तक का क्या माहौल है। आप युवा हैं लेकिन आपने शांति से बात की तो हमारा भी मन खुश हुआ आपसे बात करने में। युवा आजकल जो है ज्यादा भड़कने वाले दिखने से, आपसे बात करने में मजा आया। अभी तक के क्या लगता है हालात, किस तरीके से देखते हैं आप? आप तक नहीं जानना चाहते लेकिन आपसे बात करने में मजा आया क्योंकि आपने अच्छे से बात की। कल की व्यवस्था को लेकर या आपके हालात किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप भी रास्ते के मामले को देखते हैं, आपने वोट किया हुआ जो ये इलेक्शन हुआ है ये रास्ते को देखते हुए ही हुआ है, और रास्ते के साथ साथ हम अपने राज्य को भी देखते हैं, हमारे राज्य में कौन सी सरकार ने किसके लिए कितना क्या किया है, खासकर युवाओं के लिए। जो हमारा युवा तबका है जो उसने अपने भविष्य के लिए अब की बार वोट की है, उनका भविष्य अपना देखते हुए जो पिछले 10 साल में 20 साल में उन्होंने अपना भविष्य दिखा है वही देखते हुए सबने यहाँ पे अपनी वोट की है, और अंदर उनकी वोटें स्टेडियम में पैक है, कल देखेंगे क्या होता है। किसकी किस्मत खुलती है? 22 उम्मीदवार है, 22 उम्मीदवार है यहाँ पे। देखो टक्कर तो दो ही बंदों की है, और उस टक्कर में भी अगर युवाओं का हम अगर रुझान बताए आपको तो युवा बीजेपी सरकार से बिल्कुल नाखुश है बहुत ज्यादा, क्योंकि हर समय सरपंचों के साथ जो भी व्यवहार किया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत, तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए, और दिनेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो कल मतगणना की तैयारी है हरियाणा में, और आपको बता दें, चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।